हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे आपको अपनी लिपस्टिक को कंसीलर की तरह कैसे वर्क करना है। तो आपको पहले समझना है कि किस तरह के फ्लॉस, किस तरह का इम्परफेक्शन, किस कलर से हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपके फेस में रेडनेस है तो वो ग्रीन कलर से ठीक होगा। तो मैंने आपको वो आई शेडो से करके दिखाया है एक वीडियो में। आप ग्रीन कलर के लिए आपको लिपस्टिक ही यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और अगर वो पर्पल टाइप के हैं, पर्पल कलर में, मतलब पर्पल कलर कैसे होगा, थोड़े डल से हैं, तो आपको थोड़ा ऑरेंज कलर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके थोड़े से ग्रीन वेन्स है, आपके आंखों के पास ग्रीन है आपकी वेन्स, तो उसको आपको रेड से कवर करना होगा। तो अलग अलग स्किन टोन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पिगमेंटेशन, किस तरह का कंसीलर करेक्टर या किस कलर की लिपस्टिक से आप करेक्ट करें। तो जिनकी फेयर स्किन है उन्हें थोड़ा सा ये लिपस्टिक, ये काफ़ी कुछ उस तरह है। अगर जिनका एकदम फेयर है, एकदम पेल है स्किन, तो उन्हें इस तरह का, आई डोंट नो ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एक्चुअली थोड़ा इस कलर का करेक्टर यूज़ करना चाहिए, जिसमें थोड़ा ऑरेंज टिंट हो, ये थोड़ा सा ऑरेंज टिंट हो, और तो मगर लाइट हो, रेड नहीं यूज़ कर सकते आप। आपने जनरली इतने सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि लोग रेड लिपस्टिक से कवर कर रहे हैं डार्क सर्कल। पर आपको आपका स्किन कलर भी बहुत ध्यान में रखना होगा। आप अगर एकदम फेयर हैं, पेल हैं, आपका स्किन बिल्कुल सफ़ेद सा कह सकते हैं, तो उन्हें इस कलर का करेक्टर यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा पीची, एकदम ऑरेंज नहीं। और जिनका मीडियम अंडरटोन है स्किन, जो थोड़े से हल्के से टैन है, तो वो इस तरह का ऑरेंज करेंगे यूज़, थोड़ा ब्राइट ऑरेंज। तो इससे आपके डार्क सर्कल्स, आपका अगर पिगमेंटेशन है तो वो करेक्ट हो जाएगा। और थोड़े से और टैन है, मैंने अभी मीडियम टोन दिखाया, वो उस इसके लिए जो टैन है, थोड़ा सन टैन हुआ है जिन्हें, उनके डार्कनेस के लिए ऐसा नियॉन सा रेड, मीन्स इस तरह का, जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट हो। आप अगर सन टैन हुआ है आपको, आपका डार्क सर्कल है, कई लोगों के इस तरफ भी डार्कनेस रहती है, तो इस तरह का जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट हो, वो रेड यूज़ करेंगे। और लास्ट रेड मैं बता रही हूँ, ये कूल अंडरटोन के लिए है। मतलब अगर आपकी वेन्स ब्लू है, आपकी ये वाली वेन्स, ये रिस्ट आप देखेंगे इस तरफ, ये अगर आपकी ब्लू है और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े से ब्लू कलर की तरफ हैं, तो आप इस तरह का कूल रेड यूज़ करेंगे, इस तरह का रेड। कोई भी ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं जिसकी ये वाला, इस टाइप का रेड हो, जो थोड़ा फेयर लोगों के लिए, जिनका कूल अंडरटोन होता है उनके लिए हो। तो मुझे बहुत कम डार्क सर्कल है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं बहुत फेयर भी नहीं हूँ और बहुत टैन भी नहीं है मुझे, तो मैं मीडियम रेंज में आती हूँ। तो मुझे ऑरेंज यूज़ करना चाहिए, ये फेशियस की ऑरेंज लिपस्टिक है, तो मैं इसे कंसीलर की तरह यूज़ करती हूँ। बहुत हल्का हल्का अमाउंट लेंगे, और अब इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब जो आपका स्किन मैचिंग कंसीलर है, या हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, जो हाइलाइटिंग कंसीलर है, उससे मैं ये कवर करूंगी।
अब सब कुछ सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर ले रही हूँ, ये ओरिफ्लेम का द वन लूज पाउडर है। इसे हल्का सा लेकर एक्स्ट्रा कैप में निकाल कर कंसीलर पुश करना है ताकि सब कुछ सेट हो जाए। तो ये हमारा डार्क सर्कल कवर हो गया। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि आपका अगर स्किन कलर क्या है या आपके किस तरह की डार्कनेस है आपके स्किन में, तो आपको किस कलर की लिपस्टिक से कवर करना है। तो ये बहुत इजी था, बट हाँ हमें लगता है कि बस रेड लिपस्टिक से हम कवर कर रहे हैं क्योंकि हम इतने सारे वीडियोज़ देखते हैं जिसमें हर कोई अपना डार्क पिगमेंटेशन रेड लिपस्टिक से कवर कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपको अपना स्किन कलर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था इस लिपस्टिक एज कंसीलर वीडियो। तो आपके पास और कोई सजेशंस हैं, मैं आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।